किसका होगा नवंबर। कोई भी जीता हुआ विधायक चुनाव लड़ने से मना क्यों करेगा? हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो संगठन में जाए या आगे बढ़ा, चुनाव लड़े या जिस तरीके से। पिछली बार पार्टी ने मुझे टिकट दिया, टिकट देने के बाद टिकट चेंज किया, मैंने अपनी वफादारी पार्टी के साथ पूरी रखी। जब पूरे शहर में कांग्रेस हारी तब भी मैं जीता। विगत तीन बार से जो विधानसभा हमारे पास नहीं थी, अपने देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और प्रयास से हमने उसको जीता और भारतीय जनता पार्टी का परचम वहां पर फहराया। और देखिए, बीजेपी भी इस वक्त यही सोचेगी कि जो जीतने वाला कैंडिडेट हो उसको टिकट दिया जाए। कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, कांग्रेस को वोट देने वाले वोटर्स की कमी नहीं है, लेकिन होता यह है कि जब गुटबाजी होती है तो वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी पिछड़ जाता है। कौन होगा उम्मीदवार, डिजियाना न्यूज की खास पेशकश। नमस्कार, स्वागत है आपका डिजियाना न्यूज में। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज का खास कार्यक्रम कौन होगा उम्मीदवार। जी हां, डिजियाना न्यूज कोशिश कर रही है विधानसभावार ग्राउंड लेवल रिपोर्ट करते कि कौन उम्मीदवार आगे हो सकते हैं राजनीतिक पार्टियों से, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, और क्या क्या उनके दावे। और खास बात यह है कि इस ग्राउंड लेवल रिपोर्ट को तैयार किया है डिजियाना न्यूज के एडिटर इन चीफ अरशद खान ने, जिन्होंने विधानसभावार जाकर के ये जानने की कोशिश की कि बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से अगले उम्मीदवार कौन हो सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डिजियाना न्यूज के एडिटर इन चीफ अरशद खान, स्वागत है अरशद जी। धन्यवाद। अरशद जी, इंदौर की अगर बात करें तो विधानसभा 3 की भी रिपोर्ट आपने तैयार की है, आपने वहां जाकर के जानने की कोशिश की कांग्रेस की तरफ से कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, किन्हें टिकट मिल सकता है, और बीजेपी की तरफ से क्या, किन किन लोगों से आपने बात की 3 में। देखिए अभिषेक, विधानसभा 3 की जहां तक आप बात करते हैं तो ये मध्य क्षेत्र में आता है जी। पूरी विधानसभा एकदम पुराने इंदौर के अंदर ही बसी हुई है जी। कुछ पार्ट जरूर है जो अग्रवाल नगर और नौलखा की तरफ बढ़ता है, तो ये नए परिसीमन के दौरान जोड़ा गया। पहले विधानसभा पुराने शहर की विधानसभा ही कहलाई जाती थी, विधानसभा 3। इस पर वैसे तो कांग्रेस का ज्यादातर कब्जा बना रहा है और 3 बार से विधायक रहे अश्विन जोशी यहाँ से कांग्रेस का झंडा लहराते रहे हैं। इस बार भी कोशिश हुई कर रहे हैं कि पार्टी उन्हें एक बार और मौका दे। पिछले चुनाव में वो हार गए थे, उषा ठाकुर ने उन्हें वहां पर हराया था और एक बड़ी हार मानी जा रही थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि विधानसभा 3 जो है वो प्योर कांग्रेस की सीट है, वहां से कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता आया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जोशी परिवार का हमेशा से दबदबा रहा है, चाहे वो महेश जोशी हो या फिर वो अश्विन जोशी कहीं। बिल्कुल, तो विधानसभा 3 में सबसे मजबूत दावेदारी कर रहे हैं अश्विन जोशी, और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि संगठन उन पर ध्यान भी देगा और उनकी जिस तरह से वो उनकी जो कार्यशैली है, उनका जो नीट एंड क्लीन नेता है वो, उससे ऐसा लगता है कि पार्टी उन पर एक बार और भरोसा कर सकती है। और कांग्रेस के एकमात्र विधायक वो रहे हैं जी जो लगातार एक विधानसभा से 3 मरतबा जीते, तो सबसे मजबूत दावेदारी उनकी यह बनती है कि पिछली बार मोदी लहर के चलते जी उनको चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था, तो इस बार उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, अब उन्होंने वापस से अपना ग्राउंड तैयार कर लिया है। विधानसभा 3 में लगातार सक्रिय रहते हैं, पानी वाले बाबा के नाम से भी उन्हें पहचाना जाता रहा है, क्योंकि एक दौर में जब शहर में पानी की किल्लत हुआ करती थी तो अश्विन जोशी अपने टैंकरों के माध्यम से लोगों को पानी उपलब्ध कराते थे जी। खासतौर पर विधानसभा 3 में जहाँ पर सकरी छोटी छोटी गलियां हैं, तो वहां पर टैंकर से, छोटे वाले ट्रैक्टर ट्राली से, ऐसे इंतजाम उन्होंने किए थे, उसी के चलते वो लगातार चुनाव जीतते रहे जी। पानी की किल्लत इंदौर शहर में शुरू से ही रही है और खासतौर पर मध्य क्षेत्र में, तो एक पानी वाले बाबा के नाम से वो चर्चित होते रहे, लेकिन पिछला चुनाव वो हार गए। इस बार जब हमने उनसे चर्चा की तो क्या वो दावेदारी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मेरे अलावा यहाँ पर कोई दावेदार बनता ही नहीं, जाहिर तौर पर जिस तरह से मैंने यहाँ पर काम किया है, 3 बार विधायक रहा हूँ, पिछली मर्तबा मोदी लहर के चलते मैं यहाँ पर हार गया था, तो उनकी दावेदारी मजबूत भी है और निश्चित रूप से वो दावेदारी जो कर रहे हैं वो ठोक बजा कर रहे हैं, और मैं समझता हूं आलाकमान उनकी इस दावेदारी पर गौर भी करेगा जी। बिल्कुल, अश्विन जोशी की बात की अर्शद जी आपने, ये सारी बातें बताई, खुद अश्विन जोशी क्या दावे कर रहे हैं, पिछली बार मोदी लहर के कारण से वो हारे फिर भी वो सक्रिय रहे हैं, क्या कह रहे हैं अश्विन जोशी आने वाले विधानसभा टिकट को लेकर के, पहले वो सुन लेते हैं। इंदौर की विधानसभा 3 में कांग्रेस के पास ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है जो मैदान में उतर सके। 3 बार से विधायक रह चुके अश्विन जोशी एक बार फिर प्रयासरत हैं कि उन्हें पार्टी टिकट दे। हालांकि पिछला चुनाव वे हार गए थे उषा ठाकुर से, हम जानेंगे कि पार्टी उन पर किस तरह से विश्वास करे और क्यों उनको टिकट दे, और क्या वे जीतकर कांग्रेस की झोली में एक और सीट बढ़ा पाएंगे, क्योंकि विधानसभा 3 हमेशा से परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट रही है। इसी के चलते अश्विन जोशी लगातार 3 मरतबा के विधायक वहाँ से रहे हैं। जोशी, स्वागत है आपका।
आपको पार्टी एक बार फिर क्यों मौका दे? सवाल यही वाला उठ रहा है कि वैसे तो जो नज़र आता है विधानसभा 3 में आपसे बड़ा कोई कांग्रेस का नेता दिखता नहीं, फिर भी पार्टी आपको टिकट क्यों दे? देखिए, पार्टी टिकट दे या ना दे ये पार्टी का विशेष अधिकार है, लेकिन आपने प्रश्न किया है कि मुझे टिकट पार्टी क्यों दे। वो इसलिए दे कि लगातार 15 साल मैं विधायक रहा, पहली बार जीता तब सरकार थी, उसके बाद जब पूरे शहर में कांग्रेस हारी तब भी मैं जीता, लगातार 2 बार। 15 साल रहने से मेरा तात्पर्य यह नहीं कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है, 15 साल रहा तो विपरीत परिस्थितियों में जीतने का कारण था मेरा गलियों को नापना, लोगों से लगातार मिलना, संपर्क में रहना और समस्याओं को समझ करके, जबकि न तो नगर निगम में मेरी सरकार थी न राज्य सरकार हमारी थी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो आजकल परंपरा बन गई है विपक्ष की पार्टी के विधायकों को काम नहीं करना, ये आज की परंपरा है। तो उदाहरण के लिए जीतू पटवारी अभी हैं, उनकी विधानसभा में नगर निगम ने कितना काम किया है दूसरी विधानसभा से तुलना करके आप देख सकते हैं। भेदभाव होता ही है और ये परंपरा बन गई। तो ऐसी परिस्थितियों में भी अगर लगातार कोई जीत रहा है तो वो लोगों के बीच में लोकप्रिय है, उसका आना जाना है, अच्छे बुरे समय में उपस्थित रहता है, और इसीलिए मैं ये कहूँगा कि पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाए। आपको पानी वाले बाबा के नाम से ही पहचाना जाता था जब आप विधायक थे, पिछले 4 साल से आप इतने सक्रिय नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब विधायक नहीं शायद इसलिए भी, लेकिन जैसे आपने कहा कि आप लगातार संपर्क में रहते हैं, कार्यकर्ताओं के भी संपर्क में रहते हैं और लोगों के भी संपर्क में रहते हैं। अब पानी वाले बाबा थे, अभी वो पानी वाले बाबा को पार्टी टिकट देगी तो किस रणनीति से वापस पानी वाले बाबा मैदान में जाएंगे? देखिए, रणनीति कभी भी पहले बताई नहीं जाती। आपने कहा कि विधायक नहीं रहे तो सक्रिय नहीं रहे, जब विधायक नहीं हो पार्षद भी नहीं है आपके, ऐसे में सक्रिय रह के आप क्या करोगे? उसके बावजूद जो सक्रियता संभव थी, देखिए काम तो नहीं कर सकते। अगर आपने नगर निगम का कोई काम बोला तो क्षेत्रीय पार्षद नगर निगम के अधिकारी को डपट देता है, वो काम रुक जाता है। विधायक भी ऐसे ही करते हैं और ये परंपरा है, मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। तो सक्रिय क्षेत्र में घूमता रहा, अच्छे बुरे में जाता रहा, और किस्मत से विधायक नहीं होने के बावजूद भी सरकारी अधिकारी मेरी पिछली रेपुटेशन को देखते हुए मेरी बहुत सी बातें मान लेते हैं। इस नाते मैं लोगों के 100% तो नहीं पर 50-60% काम कर पाया, इस माने में मैं सक्रिय रहा। यहाँ पर विधानसभा 3 में कोई और नेता ही नहीं है आपके अलावा, क्या कोई और नेता आता तो क्या आप उसका समर्थन कर पाएंगे? क्योंकि आपने कहा कि पार्टी जो तय करेगी वो मान्य होगा, निश्चित रूप से आपकी सबसे पहले दावेदारी आप ही की है और आप यहाँ से 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। यदि कांग्रेस अपर प्रत्याशी बदलती है तो ऐसी सूरत में आपकी क्या स्थिति होगी? कांग्रेस प्रत्याशी बदले तो उसके पहले पॉलिसी बनेगी। अगर एक बार जो इस मोदी जी की लहर में हारे हैं अगर वो पॉलिसी बनती है तो मेरे ख्याल से कोई भी नेता चुनाव नहीं लड़ पाएगा। मैं केवल जिंदगी में पहली बार कोई चुनाव हारा हूँ, जिले में सबसे कम वोटों से हारा हूँ। मैं वो व्यक्ति हूँ जो आज़ादी के बाद से आज तक शहर में कांग्रेस का ऐसा नुमाइंदा हूँ जो एक जगह से लगातार 3 बार जीता हूँ। तो इस नाते मैं पार्टी से उम्मीद करता हूँ कि पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाएगी। एक चीज़ और जानना चाह रहा था मैं आपसे कि यदि पार्टी ने आपको टिकट दिया, पिछला चुनाव आप उषा ठाकुर से हार गए थे, आपने कहा कि मोदी की लहर थी इसके चलते आप चुनाव हार गए, और अगर ये क्राइटेरिया रहा तो ऐसे कई सारे विधायक रहेंगे जिनका टिकट कट जाएगा। बीजेपी की तरफ से कोई कैंडिडेट आता है, मान लीजिए कोई बड़ा नाम आता है, रमेश मेंदोला का नाम आता है या कोई ऐसे बड़े नेता का नाम आता है, उस सूरत में हालांकि आपने कई दिग्गजों को यहाँ से हराया, गोपी नेमा को हराया, आपने कई सारे लोगों को यहाँ से हराया भी है, तो उस सूरत में क्या स्थिति रहेगी कांग्रेस की और आपकी चुनाव रणनीति की? आपने कहा चुनाव रणनीति नहीं बताई जाती, लेकिन फिर भी क्या रहेगा, एक सिस्टम तो रहेगा कुछ ना कुछ। देखिए, कोई भी सामने आएगा
चुनाव तो लड़ना है, यदि पार्टी टिकट देती है तो, और जब चुनाव लड़ना है तो कृष्ण ने अर्जुन कहा था युद्ध में दुश्मन को कमजोर समझना नहीं चाहिए, दुश्मन से डरना भी नहीं चाहिए। तो कोई भी आएगा तो चुनाव लड़ेंगे, और रणनीति का प्रमुख हिस्सा ये रहेगा कि मेरी विधानसभा पूरा शहरी इलाका, व्यावसायिक इलाका, यहाँ पर भंडारों के चंदे, कलश यात्राओं के चंदे, यहाँ पर गुंडों का जमीनों के मैटर निपटाना, ये सब काम मेरी विधानसभा में न हुआ, न मैंने होने दिया, न मैंने किया। आज के दौर में शहरी लोग जिन लोगों से बहुत परेशान हैं, इस किस्म के मुद्दे हैं, व्यापारी का व्यापार चल नहीं रहा है, ऐसे में चंदे मांगने वाले लोग, दादा लोग तथा किसी दबंग लोग जो धार्मिक आयोजन के माध्यम से पैसे ऐंठ रहे हैं, उनसे जनता बचना चाहती है। और शायद इसलिए भी मैं अपने आप को ताकतवर मानूंगा किसी भी बड़े से बड़े नाम के सामने चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि शहर में जो बड़े छोटे सब नाम हैं, सबके क्षेत्रों की स्थिति लोगों से छुपी नहीं है, क्षेत्र क्रमांक 3 की स्थिति भी लोगों से छुपी नहीं है, लोग तुलना करेंगे और मुझे सहयोग देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ये पार्टी आलाकमान और पार्टी संगठन तय करेगा कि अश्विन जोशी जी विधानसभा 3 से दोबारा प्रत्याशी बनाए जाते हैं या नहीं, लेकिन उनकी तैयारी पूरी हो। निश्चित रूप से वो एक ऐसे कांग्रेस के विधायक रहे हैं जो एक ही विधानसभा से 3 मरतबा जीतकर अपनी पार्टी को मजबूत कर चुके हैं। उम्मीद की जा सकती है कि पार्टी संगठन उन पर विश्वास करेगा और एक बार और मौका देगा। कैमरा पर्सन प्रदीप मसीह के साथ अरशद खान, डीजीएनए न्यूज़, इंदौर। तो अर्षद जी, ये थे अश्विन जोशी, जिन्होंने एक बात कही, आप ही के सवाल पर एक सवाल कहा कि जब विधायक मैं हूं नहीं, पार्षद मैं हूं नहीं, तो सक्रिय रहकर करूंगा क्या, फिर भी मैंने कोशिश की है कि लोगों की 50% समस्याएं जो है वो दूर की। पानी वाले बाबा के नाम से ये जाने जाते हैं। अर्षद जी, पिछली बार 3 मरतबा ये विधायक भी रहे हैं, अब अगर इन्हें टिकट देती है पार्टी, तो आपको क्या लगता है पार्टी का ये चुनाव जो रहेगा वो सही रहेगा या गलत, क्या आकलन? अभिषेक, देखिए, विधानसभा 3 में सबसे मजबूत दावेदारी सिर्फ और सिर्फ अश्विन जोशी की है जी। क्योंकि मैं भी विधानसभा 3 में ही रहता हूं, तो वहां पर एक एटमॉस्फेयर है। अगर कांग्रेस प्रत्याशी की आप बात कर रहे हैं कि यहां पर कैंडिडेट जीत कौन सकता है जी, तो अश्विन जोशी जैसा कड़ी टक्कर देने वाले, कड़ी टक्कर देना। क्योंकि एक चीज और है अभिषेक, विधानसभा 3 की खासियत यही कि इसी चुनाव में 13,000 के लगभग वोटों से वो हारे। इससे पहले जितने भी चुनाव हुए हैं तो हार जीत का अंतर 3,000, 5,000, 7,000 के बीच में ही रहा। विधानसभा 3 में बहुत कांटे की टक्कर होती है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। हालांकि बीजेपी ने भी विधानसभा 3 में अपने कार्यकर्ताओं को बढ़ाया है, वहां पर नेताओं को भी तवज्जो दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी विधानसभा 3 में बाहरी प्रत्याशी को लाके चुनाव लड़ाया गया, जिससे आक्रोश है और उसका फायदा मैं समझता हूँ अश्विन जोशी को मिल सकता है। तो अश्विन जोशी ने बहुत सारे काम भी किए, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी दावेदारी मजबूत है जी। अर्षद जी, एक नाम और सामने आ रहा है कांग्रेस की तरफ से, शैलेश गर्ग। क्या लगता है अर्षद जी, कितनी दावेदारी है उनकी हो सकती है इस चुनाव में टिकट को लेकर? देखिए अभिषेक, नाम तो बहुत सारे आ रहे हैं विधानसभा 3 में, लेकिन शैलेश गर्ग की दावेदारी कुछ इसलिए समझ में आती है, उसकी वजह यह है कि विधानसभा 3 जब परिसीमन के बाद जो इलाका जोड़ा है उसमें जी, जी। तो उसमें वैश्य समाज के लोग काफी रहते हैं जी, यहाँ पे भी यहां जातिगत ध्रुवीकरण हो सकता है, ध्रुवीकरण हो सकता है। तो ये देखने में आया है, पिछले चुनाव में हमने खुद ने भी ये देखा है, मैंने ये अर्जित किया है। और पुरानी विधानसभा में तो महाराष्ट्रियन भी है जी, आपके ब्राह्मण समाज भी है और मुस्लिम समाज भी है और अन्य दिगर दलित समाज भी वहां पर है, लेकिन जो नई परिसीमन के बाद जो नया इलाका जोड़ा है उसमें ज्यादातर लोग वैश्य हैं। वो इलाका ऐसा है जहां पर बनिया महाजन लोग रहते हैं और शैलेश गर्ग उसकी बिरादरी से आते हैं, तो वो इस आधार पर दावेदारी कर रहे हैं। कितनी ज्यादा दावेदारी लगती है, क्योंकि अश्विन जोशी जैसे कद्दावर नेता अगर वहां पर है, और अगर माना जाता है कि बीजेपी में किसी भी बड़े नेता को अगर हरा सकता है कोई, तो सिर्फ और सिर्फ अश्विन जोशी हरा सकते हैं, तो यहां पर कितना माना जाए शैलेश का? अभिषेक देखिए, ऐसा होता है कि जो भी पार्टी जब टिकट देने की तैयारियां करती है तो एक पैनल बनाया जाता है, 2-3-4 उम्मीदवारों का पैनल बनाया जाता है, तो इस पैनल में नाम जरूर आ सकता है शैलेश गर्ग का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन पार्टी उनको टिकट देगी। और
ऐसे वक्त में जब 14 साल का वनवास काट रही है कांग्रेस और प्रदेश के आलाकमान कमलनाथ ये कह रहे हैं कि मैं उन्हीं लोगों को टिकट दूंगा जो जीतने की क्षमता रखते हैं, जो जीत सकते हैं, जो कांग्रेस को सीटें दिला सकते हैं, जो कांग्रेस की विधानसभा सीटें बढ़ा सकते हैं, तो ऐसे में जीतने वाले कैंडिडेट शैलेश गर्ग नहीं हो सकते। शैलेश गर्ग को उम्मीद जरूर है, पर ये माना जा सकता है कि पुख्ता दावेदारी जो है वो तो अश्विन जोशी के। और कौन कौन से नाम अर्षद जी यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से लगते हैं आपको कि जो हो सकते हैं? देखिए अभिषेक, विधानसभा 3 वैसे तो जोशी परिवार का उस पर कब्जा रहा है, तो यहाँ से एक नाम पिंटू जोशी भी आता है, हालांकि वो दावेदारी विधानसभा 5 से कर रहे हैं। हमारी पंकज संघवी से भी बात हुई थी, उनका कहना है कि मैं पहले ही मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि मैं विधानसभा 5 से चुनाव लड़ूं, लेकिन यदि कांग्रेस संगठन उन्हें 3 से मौका देता है तो 3 से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। थोड़ा सा अतीत में जाते हैं अभिषेक, विधानसभा 3 की बात करते हैं आप, तो 3 नंबर पर महेश जोशी जीतते आए जी, लेकिन हार का कारण उनका कुछ और था जी। प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बन गई थी लेकिन महेश जोशी चुनाव हार गए थे, उसका सबसे बड़ा कारण था त्रिकोणीय मुकाबला। विधानसभा 3 में गोपी नेमा, बालाबेग और महेश जोशी के बीच एक त्रिकोणीय मुकाबला हुआ जी, जी, जी। लगभग 16,000 वोट बालाबेग ले गए थे जिसके चलते महेश जोशी चुनाव हार गए जी जी। उस दौर में ऐसा माना जा रहा था कि यदि सरकार बनती है तो महेश जोशी का कद बहुत बड़ा होगा मंत्रिमंडल में भी। बाला बच्चन की वजह से ये आम बोलचाल, बाला बेग की वजह से ये आम बोलचाल में वोट कटना जिसे कहते हैं, ये वहां पर जी वो वोट कटा जी। उसके बाद कांग्रेस संगठन ने एक निर्णय लिया, और ये लिया उनको ऐसा लगा कांग्रेस को कि यहाँ विधानसभा 3 से कोई मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है जी, तो उन्होंने अनवर खान को यहाँ से मौका दिया, लेकिन अनवर खान को भी गोपी नेमा ने हरा दिया। उसके बाद फिर जब मौका मिला वहां से अश्विन जोशी को मौका मिला, तो फिर लगातार अश्विन जोशी चुनाव जीती, 3 बार जीते हैं जी। अर्षद जी बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे शैलेश गर्ग की अगर बात की है अर्षद जी, तो पहले ये भी देख लेते हैं उनके भी अपने दावे, हालांकि अर्षद जी आप कह रहे हैं कि इतना पुख्ता दावेदारी नहीं है उनकी, पर फिर भी वो क्यों ऐसा समझते हैं कि पार्टी उन्हें टिकट दे, वो आपने ग्राउंड लेवल रिपोर्ट देखी तो हम भी सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं शैलेश गर्ग। हमारे खास कार्यक्रम प्रत्याशी कौन में हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है शैलेश गर्ग, जो विधानसभा 3 से कांग्रेस का टिकट मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं, पार्टी उन्हें टिकट क्यों दे, हालांकि विधानसभा 3 से सबसे मजबूत दावेदारी अश्विन जोशी की बताई जा रही है, वहां से 3 बार के विधायक रह चुके हैं लेकिन पिछले चुनाव में हार गए थे, हो सकता है पार्टी विकल्प भी ढूंढ रही हो, शायद इसी के चलते शैलेश गर्ग अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं पार्टी के आगे। शैलेश, आपको क्यों टिकट दिया जाए, पार्टी आप पर क्यों भरोसा करे, क्योंकि वहाँ पहले से 3 नंबर तो कांग्रेस की सीट मानी जाती है, अश्विन जोशी वहाँ से 3 मरतबा विधायक चुने जा चुके हैं, एक बार फिर वो प्रयासरत हैं, पिछला चुनाव वो हार गए थे, आपने विधानसभा 3 में क्या किया है, क्या आप वहाँ के रहवासी हैं और किस आधार पर आप वहाँ से टिकट मांग रहे हैं? देखिए क्षेत्र क्रमांक 3 जो विधानसभा है वो मूलतः पूरी शहरी विधानसभा है। आप शहर में देखें हमेशा वैश्य समाज, अग्रवाल समाज का बहुतायत और व्यापारिक क्षेत्र हमारा 3 नंबर के अंदर मौजूद है। 2008 के अंदर जब परिसीमन हुआ था उसके पहले तक ये विधानसभा अग्रवाल नगर, जानकी नगर वाले वार्ड इसके अंदर 4 नहीं आते थे। अब इस जब परिसीमन हुआ उसके बाद में 3 वार्ड बनियों के पूरे, जिसके अंदर 63, 64 और 55, ये वार्ड जब शामिल हुए और कुल 3 नंबर के अंदर मात्र 10 वार्ड है, उसके अंदर 3 से 4 वार्ड जिसके अंदर पूर्ण रूप से वैश्य समाज, अग्रवाल समाज निवास करता है। व्यापारिक क्षेत्र होने के कारण आज 20 साल पहले हमारे अग्रवाल समाज में एक रामचंद अग्रवाल जी विधायक हुआ करते थे, उसके बाद हमारे समाज को इंदौर में नेतृत्व नहीं मिला। आप देखते हैं आए दिन 20 साल से, मैं समझता हूँ शायद आप भी जब से पत्रकारिता में हैं, जब से मैं भी राजनीति में हूँ, NSUI, यूथ कांग्रेस, छात्र कांग्रेस, मुख्य कांग्रेस प्रवक्ता रहा मैं, अग्रवाल समाज का नेतृत्व करता हूँ, व्यापारियों का नेतृत्व करता हूँ, धार्मिक, सामाजिक, खेल, हर क्षेत्र से मैं जुड़ा हूँ, तो मेरा हक है टिकट मांगने का। इस इंदौर की 3 नंबर जो विधानसभा है उसे मैं जीत सकता हूँ, ये मेरा विश्वास है। मैंने धार्मिक में काम किया है, सामाजिक में काम किया है, खेल में काम किया है, आप देखते हैं राजनीतिक लड़ाई जिसके अंदर मैं छात्र कांग्रेस से लेके, छात्र राजनीति से लेके आंदोलन प्रदर्शन के अंदर कई बार जेल गया हूँ, बड़े बड़े आंदोलन आप देखते हैं, 2013 के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन था जिसके लिए मैंने कम से कम 10,000 लोग उस धरने के अंदर मौजूद थे, राहुल गांधी की सभा की बात हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की पदयात्रा की बात हो, अरुण यादव जी की पदयात्रा की बात हो, मैंने हमेशा कांग्रेस के लिए काम किया है और मैं पार्टी के प्रति काम करता हूं, मैं अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करता हूं। आपने कहा कि वैश्य समाज के बहुत आया थे, 3 वार्ड वहां पर वैश्य समाज के, तो क्या वैश्य समाज को आप वोट बैंक मानकर विधानसभा 3 से टिकट मांग रहे हैं? क्योंकि मैं जहाँ तक विधानसभा 3 को समझता हूँ वहाँ पर अल्पसंख्यक वोट की भी बड़ी तादाद है और दूसरे समाज के लोग
लोग भी वहाँ पर रहते हैं, ऐसे में सिर्फ वैश्य समाज के आधार पर टिकट मांगना क्या उचित और पार्टी इसको स्वीकार कर लेगी? देखिए, मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि मैंने 20 साल में लगातार आंदोलन किए धार्मिक, सामाजिक और हर प्रकार से। मैं यही आपको कहना चाहता हूँ कि मेरा अल्पसंख्यक वर्ग में भी बहुत बड़ा, आप देख सकते हैं मेरे जितने कार्यक्रम होते हैं समाज के, आपका रोजा इफ्तारी हो, आपका अपने सामूहिक विवाह हो, सभी के अंदर मैं शामिल होता हूँ और आज से नहीं 20 साल से होता हूँ। प्लस आप देखिए जितना दलित शोषित पीड़ित वर्ग है, बस्तियाँ हैं उनमें मैं शंकर बाग हो, शुक्ला नगर हो, आपका जुनिंदोर हो, गाड़ी अड्डा हो, जबरन कॉलोनी हो, सभी जगह मेरा पर्सनल खुद की टीम है और मैं वहाँ हमेशा जाता हूँ, हर बार वहाँ पर कुछ ना कुछ मदद करता हूँ। मेरा हर जगह वेस्ट समाज इसलिए बोला गया क्योंकि इंदौर के अंदर वेस्ट समाज को नेतृत्व नहीं मिला है आज तक। नेतृत्व मिलेगा तो इंदौर के अंदर जो 8 लाख अग्रवाल और वेस्ट समाज के लोग रहते हैं उनके अंदर एक बड़ा असर जाएगा और पांचों विधानसभा पे इसका असर देखने को आपको मिलेगा। मैं अकेले वेस्ट समाज के दम पे टिकट नहीं मांग रहा हूँ, मैंने 20 साल में छात्रों के लिए आंदोलन किए हैं, आम जन के लिए आंदोलन किए, नगर निगम के खिलाफ आंदोलन किए, मध्य प्रदेश की सरकार के खिलाफ आंदोलन किए। इस 15 साल के अंदर लगातार विपक्ष की भूमिका मैंने अपने मजबूती से निभाई है। इसी आधार पर मैं इस क्षेत्र का मांग 3 के अंदर टिकट मांग रहा हूँ। मैं इस जनता से और इस कांग्रेस पार्टी से वादा करता हूँ कि 20,000 से ऊपर मतों से मैं जीतूंगा। मैंने एक एक बूथ की 262 बूथ 10 वार्ड उसके अंदर टोटल मेरी किसको बोलते हैं मेरी इसमें मेहनत हो चुकी है, मैं इसमें पूरा वर्क कर चुका हूँ। मेरे ऑफिस आएंगे तो देखेंगे एक एक प्रत्याशी एक एक मतदाता के ऊपर मेरा आकलन है। चले इस घर बात कर रहे थे, विधानसभा 3 से टिकट मांग रहे हैं, उनका कहना है वैश्य समाज को नेतृत्व तो मिलना चाहिए, विधानसभा 3 में लगातार काम किया है, बूथ स्तर तक वे कार्रवाई कर चुके हैं, कार्यकर्ताओं से मिल चुके हैं और लगातार सक्रिय रहते हैं तो पार्टी उन्हें टिकट दे, ये मांग है शैलेश गर्ग की। आलाकमान तय करेंगे कि विधानसभा 3 से किसको टिकट दिया जाए, अश्विन जोशी को दिया जाए या शैलेश गर्ग को दिया जाए, क्योंकि फिलहाल विधानसभा से 2 ही नाम उभर कर सामने आ रहे हैं। कैमरा पर्सन नीलेश करोशिया के साथ अरशद खान, डीजीएनआ न्यूज़, इंदौर। तो अर्षद जी, ये थे शैलेश गर्ग, इनके अपने दावे हैं कांग्रेस में लेकर के। हालांकि आपने जैसा ग्राउंड लेवल रिपोर्ट देखी और आप खुद भी उस विधानसभा में रहते हैं तो आप ज्यादा जानते हैं और आपका राजनीतिक विश्लेषण भी रहा है। बीजेपी की तरफ से अगर बात करें तो फहरिस्त थोड़ी सी लंबी है, किन किन लोगों से आपकी बात हुई अर्षद जी और क्या कुछ दिखता है आपको बीजेपी की तरफ से वहां पर टिकट? अभिषेक, देखिए वर्तमान विधायक उषा ठाकुर से मैंने चर्चा की, उनकी भी दावेदारी है। गोपी नेमा जो यहाँ से पूर्व में विधायक रह चुके हैं विधानसभा 3 से, वो भी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, वो पिछले 2 बार से दावेदारी कर रहे हैं लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पा रहा है। ललित पोरवाल स्थानीय का मुद्दा लेकर यहाँ पर आए हैं। गोविंद मालू जो हैं प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी के और वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, तो वो भी लगातार स्थानीय को लेकर दावेदारी कर रहे हैं कि मैं विधानसभा 3 का रहवासी हूँ तो पार्टी को मुझे टिकट देना चाहिए। ऐसे एक बीजेपी के कार्यकर्ता हुआ करते थे और हैं, अब बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है वर्तमान में, वो निर्दलीय पार्षद है जगदीश धनेरिया। पार्टी ने उन्हें जब उन्होंने पार्षद का टिकट मांगा था तो पार्टी ने उन पर विश्वास नहीं किया था और उन्होंने अपनी ताकत बताई, निर्दलीय चुनाव जीते। वो उस इलाके से जीते हैं जहाँ पर बड़ा वोट बैंक है बीजेपी का भी और कांग्रेस का भी। तो जगदीश धनेरिया को निर्दलीय वहाँ के लोगों ने जिताया है, वो है जूनी इंदौर, कटकटपुरा और ये वाला इलाका जो आता है वहाँ से वो पार्षद है जी। तो ऐसे ये फेरिस थे इनकी फिलहाल। अर्षद जी, यहाँ पर एक नाम आपने लिया गोपी नेमा, वरिष्ठ नेता है और काफी पहले विधायक भी रह चुके हैं और एक अपना दबदबा रखते हैं पार्टी में। पहले देख लेते हैं आपने जो रिपोर्ट तैयार की, जो आपने उनसे बात की, गोपी नेमा क्या कहते हैं अपने टिकट की दावेदारी को लेकर। हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। विधानसभा 3 से कौन होगा, 1 से कौन होगा, 5 से कौन होगा, 4 से कौन होगा, राउ से कौन होगा, महू से कौन होगा, इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं विधानसभा 3 से पूर्व में विधायक रहे हुए और वर्तमान में एक बार फिर से बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं गोपी नेमा। हम उनसे पूछेंगे कि क्यों पार्टी उन्हें टिकट दे, क्या क्या है उन्होंने ऐसा जिसके चलते उन्हें दोबारा मौका दिया जाए। गुड भाई, आप पूर्व में भी विधानसभा 3 से विधायक रह चुके हैं, एक अच्छा चुनाव लड़ा था आपने, बड़े कैंडिडेट को हराया था वहां पर और फिर आप चुनाव भी हार गए, ये भी सत्य है। उसके बाद फिर पार्टी ने आप पर भरोसा नहीं किया, उषा ठाकुर को वहां से उम्मीदवार बनाया, पार्टी वहां से बदलती रही, अब क्या उम्मीद है आपको पार्टी टिकट किस आधार पर दे? देखिए, मैं मेरी कर्मभूमि और लोगों के दुख दर्द की साथ देने की आदत, 3 नंबर विधानसभा के मतदाताओं को मैंने अपने परिवार का समझ के विगत वर्षों से उनके अच्छे में बुरे में
दुख में सुख में उनके साथ सहभागिता की। पार्टी ने मुझे पिछली बार अवसर नहीं दिया और दूसरे को टिकट दिया जी। लेकिन आज वहाँ का कार्यकर्ता उद्वेलित है, आक्रोशित है और वो ये अपने आप को अनाथ महसूस करता है कि उनके दुख दर्द में खड़े होने वाला कोई व्यक्ति नहीं है जी। ये कारण आज मुझे फिर कार्यकर्ताओं की और वहाँ के रहवासियों की एक डिमांड जी कि भाई आप आ जाओ, हम परेशान जी। उनकी भावनाओं को ध्यान में रख के और वहाँ की समस्याओं को देख के मेरा भी मन हुआ कि मैं पार्टी से अपनी बात रखूं, पार्टी के सामने पूरी वास्तविकता रखूं और पार्टी के सामने इस बात का जिक्र करूं कि आज वहाँ का कार्यकर्ता अपने आप को अनाथ सा महसूस कर रहा है। तो वो कार्यकर्ताओं की भावना है, जनता की भावना है कि मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूं या उस क्षेत्र में वापस चुनाव के लिए भाग लूं। इस भावना को देखते हुए मैं पार्टी से अपनी बात रखूंगा। एक वहाँ पर मुद्दा चल रहा है स्थानीय का, तो गोविंद मालू का भी वहाँ पर नाम आता है, ललित पोरवाल का भी नाम आता है, निर्दलीय पार्षद जगदीश धनेरे का भी वहाँ पर नाम आता है, तो क्या यदि इनमें से किसी और को पार्टी टिकट देती है तो आपकी स्थिति क्या रहेगी? आप उनकी मदद करेंगे या फिर हमेशा जैसा होता है सबोटेज करता है वो व्यक्ति जिसको टिकट नहीं मिलता? पिछली बार भी पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया तो हमने वर्तमान विधायक को जिताने के लिए पूरे दल बल सहित मेहनत की, उनको जिताया। उनको जिताया मीन्स पार्टी को जिताया जी। और हम बरसों से, आज तो पार्टी दिल्ली से लेकर कई राज्यों तक है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी राज्यों में नहीं होती थी उस वक्त से हम पार्टी का काम कर रहे हैं। 1975 से जी पार्टी का काम कर रहे हैं, जब गिनती के लोग थे उस वक्त पार्टी का काम हमने किया और आज तक कर रहे हैं। इसलिए पार्टी के प्रति हमारे मन में कभी दुर्भावना सपने में भी नहीं आ सकती कि पार्टी का अहित हम करें। आज भी मैं कुछ नहीं हूँ लेकिन पार्टी के काम से महीने में 7 दिन 8 दिन पूरे प्रदेश में जाता हूँ, काम करता हूँ, पार्टी के लिए समय देता हूँ। इसलिए पार्टी के प्रति हमारे मन में कभी दुर्भावना नहीं आएगी। अपनी बात पार्टी के सामने रखेंगे जी। हर कार्यकर्ता का अधिकार है कि वो पार्टी से अपनी मांग रखे, लेकिन पार्टी का ये विशेष अधिकार है कि वो किसे अवसर दे। इसलिए सेबोटेज वाली कोई बात नहीं, विद्रोह की कोई बात नहीं। और शहर इंदौर जहाँ से बाहर जाके पूरे मध्य प्रदेश में लोग लड़े जी, तो स्थानीय और बाहरी का कोई प्रश्न ही नहीं है। आज राजबाड़ा शहर में ऐसा है कि किसी भी विधानसभा का आदमी उसको क्रॉस करता है जी, कोठारी मार्केट क्रॉस करता है। इसलिए इंदौर सराउंडिंग एक में मेरी सोच में पूरे इंदौर को एक मानता हूँ। 1 2 3 4 5 ये राजनीतिक नक्शों पे बटा हुआ इंदौर है जी। बाकी इंदौर एक है, अहिल्या की नगरी है और इसमें रहने वाला कोई भी बसिंदा एक दूसरे से अनजान नहीं है जी। इसलिए यहाँ पे स्थानीय और बाहरी वाला प्रश्न नहीं है, उसे राजनीतिक नक्शे में नहीं बांधते हुए हम इंदौर का माने जी। इंदौर के बाहर जाके लोग लड़े, इंदौर के लोग लड़े और उन्होंने अपने आप को स्वीकार्य करवाया हुआ, तो यहाँ की वो स्थानीय वाला कोई मुद्दा यहाँ पे नहीं है। और मैं तो वहाँ का स्थानीय हूँ, 30 साल से मैं 30 नंबर में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ के लोग मुझे स्थानीय और बाहरी वाली परिधि से बाहर रखते हैं। तो और आपको क्यों दिया जाए पार्टी, क्यों दे? आपने कहा कि स्थानीय वाला मुद्दा भी नगणी कर देते हैं, उसको जीरो मान लिया जाता है, इसके बावजूद भी आपने सक्रियता 3 नंबर में क्या रखी बराबर? हालांकि बीजेपी के विधायक रहे उषा ठाकुर वर्तमान में, उससे पहले अश्विन जोशी वहां से रहे। अब आपको ऐसा लगता है कि जब जब आप विधायक बने तो सत्ता में नहीं रही आपकी पार्टी, और अब ऐसा लगता है शायद विधायक बन जाएंगे तो हो सकता है मंत्री भी बन जाए, इसलिए आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखो, मंत्री बनना, विधायक बनना या नहीं बनना, ये सब थर्ड और सेकंड फेज और थर्ड फेज के सब जवाब है। मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी का काम करता है, वो कार्यकर्ता इस बात को महसूस कर रहा है कि उसका कोई माई बाप नहीं है, तो मैं कार्यकर्ताओं की आवाज़ बन के वहाँ से लड़ना चाहता हूँ। चुनाव के परिणाम अच्छे बुरे सब हो सकते हैं जी, सरकार बने नहीं बने सब हो सकता है, भविष्य के गर्भ में क्या है ये किसी को नहीं मालूम है कि कल क्या होगा जी। लेकिन मैं वहाँ पे पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज़ बन के खड़ा रहता हूँ, पार्टी का काम वहाँ पे बढ़े, हमारा विचार वहाँ पे बढ़े, इस भाव से हम वहाँ काम करना चाहते हैं और करते हैं जी। तो इसलिए वहाँ टिकट मिले तो भी, नहीं मिला तो भी, मैं उस क्षेत्र की आवाज़ हूँ, उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के सर पर
एक हाथ रखा हुआ उनके कि वो उनका मददगार हूँ, मैं उनका परिवार का हूँ, ये भाव से मैं चुनाव में टिकट मांग रहा हूँ। पार्टी की सरकार बने नहीं बने, मंत्री बने नहीं बने, ये सब अलग थर्ड सेकंड फेज की बातें हैं। हमसे बात कर रहे थे गोपी नंबर जो पूर्व में विधायक रह चुके विधानसभा 3 से, उनका कहना है कि स्थानीय का जहां तक के मुद्दा है तो वो वहां के स्थानीय हैं, पिछले 30 साल से विधानसभा 3 में ही काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी को उन्हें ही टिकट देना चाहिए। कैमरा पर्सन नीलेश करोशिया के साथ अरशद खान, डीजीएनआई न्यूज़ इंदौर। अर्शद जी, ये है गोपी नमा, इनका कहना है कि कार्यकर्ताओं का अधिकार होता है कि वो टिकट मांगे और जिले से वो कहीं से भी टिकट ले सकते हैं, स्थानीय का मुद्दा यहां पर वो नहीं मानते कि ऐसा है। आप क्या कहेंगे, कितनी दावेदारी लगती है गोपी नमा की बीजेपी की तरफ से? देखिए अभिषेक, गोपी नमा छात्र राजनीति सक्रिय राजनीति में जी, उन्होंने कई सारे चुनाव भी लड़े हैं, विधानसभा 3 में चुनाव लड़े और जीते जी, जबकि कांग्रेस की गढ़ मानी जाती थी विधानसभा 3 जी, और उस दौर में जीते जब कांग्रेस की सरकार बनी प्रदेश में, लेकिन लेकिन कांग्रेस का प्रत्याशी वहां से हार गया। उस दौरान गोपी नेमा विधानसभा 3 से जीते हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। पिछली मरतबा भी उन्होंने प्रयास किया था कि उन्हें एक मरतबा वापस से विधानसभा 3 से मौका दिया जाए, लेकिन भाजपा संगठन ने उन्हें मौका नहीं दिया। इस बार फिर वो तैयारियां कर रहे हैं, लगातार विधानसभा 3 में सक्रिय हैं, विधानसभा 3 के किसी भी आयोजन को, किसी भी कार्यक्रम को वो छोड़ते नहीं हैं, हर जगह जाते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात करते हैं, और वो ये इस कोशिश में लगे हैं कि इस बार पार्टी उनको ज़रूर मौका देगी, क्योंकि पिछली मरतबा उषा ठाकुर को यहाँ से मौका दिया गया था, वो भी बाहरी कैंडिडेट थे, वो इस मुद्दे को मानते नहीं कि स्थानीय और बाहरी क्या होता है। वो कहते हैं बीजेपी का कार्यकर्ता होता है, उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि प्रधानमंत्री तो गुजरात में रहते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में जाके चुनाव लड़ लेते हैं, ऐसी कई सारी बातें वो कहते आए हैं। तो निश्चित रूप से गोपी नेमा की अपनी एक दावेदारी है, मजबूत दावेदारी है, वरिष्ठ नेता है, पूर्व में विधायक, अनुभव भी अच्छा खासा है, विधानसभा 3 को वो समझते हैं, कार्यकर्ता उनका कितना साथ देते हैं, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है अभिषेक, इस बार जो बीजेपी संगठन है वो कार्यकर्ताओं की सलाह, उसकी राय पर चलेगा, वो कार्यकर्ता जिसका नाम प्रपोज करेंगे, जिसको ज्यादा से ज्यादा वोट कार्यकर्ता देंगे, मैं समझता हूँ उसी को भाजपा विधानसभा 3 से प्रत्याशी बनाएगी। तो गोपी नेमा की भी यहाँ पर दावेदारी दिखती है। एक नाम और आपने, गोविंद मालू जो है वरिष्ठ नेता है, वो क्या कह रहे हैं अपने टिकट के दावेदारी को लेकर के, पहले वो सुन लेते हैं फिर उस पर जानेंगे आपका राजनीतिक विश्लेषण। तो देखते हैं गोविंद बालू क्या कह रहे हैं अपनी दावेदारी को लेकर। हमारे खास कार्यक्रम प्रत्याशी कौन में हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं गोविंद मालू जी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता रहे हैं, लगातार मीडिया से जुड़े रहे हैं, अब विधानसभा 3 से भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं कि भाजपा उनको टिकट दे। हम उससे जानेंगे कि आखिर भाजपा उन्हें विधानसभा 3 से टिकट क्यों दे और क्या कारण है कि पार्टी उन पर विश्वास कर विधानसभा 3 में अपना प्रत्याशी बनाए। मालू जी, वैसे तो आप वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के कई पदों पर भी रहे हैं और मंडल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं आप, अब आप विधानसभा 3 से दावेदारी कर रहे हैं कि पार्टी आपको वहाँ से टिकट दे, ऐसी क्या उपलब्धियाँ आपकी जो विधानसभा 3 से आप टिकट मांग रहे हैं? मैंने पिछली बार भी क्षेत्र क्रमांक 3 से अपनी उम्मीदवारी पार्टी के समक्ष रखी थी, कुछ समीकरण रहे होंगे, पार्टी ने संगठन की जवाबदारी दे दी, उसको निभा रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि मुझे क्यों जी, तो मैं इस पुरानी विधानसभा का जो क्षेत्रफल है उसमें मेरा जन्म हुआ, मेरा निवास, मेरा व्यापार, मेरी शिक्षा उस क्षेत्र क्रमांक 3 से बाहर कभी नहीं निकली, स्कूल भी 3 नंबर में, कॉलेज भी 3 नंबर में, रहना भी 3 नंबर में, व्यापार भी 3 नंबर में, खेलकूद भी 3 नंबर में और सार्वजनिक कार्यक्रम भी 3 नंबर में, गणेश उत्सव सरीके और होलिका दहन जैसे आयोजन हमने सियागंज और महारानी रोड में लगातार किए। दूसरा, 1977 के जनता पार्टी जब बनी तब विधानसभा के चुनाव में माननीय हमारे वरिष्ठ नेता, मेरे मार्गदर्शक श्री राजेंद्र धारकर जी ने इस क्षेत्र से चुनाव लड़ा, उसमें बहुत ही सक्रिय ढंग से मुझे भूमिका मैंने अदा की, और मैं अरशद भाई बताऊं कि मैंने सबसे पहला पार्टी के लिए प्रेस नोट यदि लिखा तो 1977 में लिखा। मेरे मित्र साथी, आप जानते होंगे नगीन बार के हमारे बहुत अच्छे पत्रकार मित्र मेरे साथी थे वो, और हम लगातार धारकर जी के साथ लगे रहे और हमने उस चुनाव में मुझे वेयर हाउस रोड और सियागंज के बूथों की जवाबदारी थी जी।
और उसके बाद लगातार मेरे दादा ग्रैंडफादर ने 1961-62 में यहाँ से डॉक्टर बीबी पुरोहित को इस वार्ड से खड़ा किया था, और उस समय बड़े प्रतिष्ठित व्यापारी और प्रतिष्ठित समाज सेवी थे, और निर्दलीय चुनाव जितवाया था उनको कांग्रेस के खिलाफ। आपको नहीं लगता है और भी कई सारे वहाँ से उम्मीदवारी कर रहे हैं, चाहे वो गोपी नेमा हो या वर्तमान विधायक उषा ठाकुर हो या आप ही के सहयोगी रहे ललित पोरवाल हो, वो भी अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए हमारी विधानसभा में, तो उषा ठाकुर कहीं ना कहीं यहाँ पर डामलडोल की स्थिति में आ जाती हैं। ऐसी गोपी नेमा के लिए भी, तो गोपी नेमा और दोनों विधायक उषा ठाकुर का ये कहना है कि हम शहर में रहते हैं, यानी हमारे लिए विधानसभा 3 हो 2 हो 4 हो 5 हो, हम शहर के वासी हैं तो हम कहीं से भी टिकट मांग सकते हैं। हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का हक भी है, अधिकार भी है, और इंदौर तो क्या, भोपाल, विदिशा, ग्वालियर, कहीं से भी वो टिकट मांग सकता है। इसमें कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, और मुझे तो कोई आपत्ति नहीं चाहे 50 लोग टिकट मांगें। कार्यकर्ताओं की आवाज़ सबसे बड़ी आवाज़ है, कार्यकर्ताओं का दर्द और क्षेत्र की जनता का उसके साथ जुड़ाव, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसमें मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं शीर्ष पर खड़ा हूँ, क्योंकि लगातार जनता के मुद्दों पर भी, जनता के साथ जुड़ाव भी, जनता के जो काम हैं उन पर भी आज तक न कोई चंदा इकट्ठा किया, न कोई धंधा किया, न कोई राजनीति पर अभी तक कोई दाग लगा है। आप अपनी साफ सुथरी छवि को लेकर टिकट मांग रहे हैं? बिल्कुल, साफ सुथरी छवि और एक शुचिता की राजनीति, जो हम भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ईमानदारी, चरित्र और सादगी के साथ साथ शुचिता, शुचिता में ये सब बातें आ गई। आप बड़े कार्यक्रम कराएंगे, बड़ी जगह से पैसा लेंगे, हम सीधे लोगों से, कार्यकर्ता से मैं जुड़ा रहता हूँ, कार्यकर्ताओं के दुख दर्द में मैं शामिल होता हूँ, किसी का कोई काम होता है उसके लिए मैं निसंकोच होकर फ़ोन करता हूँ, चाहे वो कार्यकर्ता हमारे क्षेत्र का कोई भी कार्यकर्ता हो, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे किसी भी दल का हो, यहाँ के जनता और यहाँ का कार्यकर्ता के लिए मैं हमेशा 24 घंटे तत्पर रहता हूँ, और कई ऐसे क्रूशल मौके पर मैं वहाँ पर उपस्थित भी रहा। तो मैं लगातार जनता के बीच में रहने वाला आदमी हूँ, मैं सीधा मेरा कार्यकर्ताओं से संवाद, आज भी मैं कार्यकर्ताओं के घर पर जाके उनके हालचाल पूछना, उनके साथ संवाद रखना, इसमें भरोसा करता हूँ मैं। और बाकी करी के प्रोपोगंडा, छल प्रपंच, बड़े बड़े इवेंट, इसमें मैं भरोसा नहीं करता। क्या लगता है आपको पार्टी मौका देगी इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं एक सामान्य छोटा कार्यकर्ता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। पार्टी की रीति नीति, सिद्धांत और संगठन का लगातार काम करते करते वो सारी बातें मुझ में इनबिल्ट हो गई, अनुशासन उसमें सर्वोपरि है। हम अपनी बात पुरजोर तरीके से कहेंगे, हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता, जनता, उनकी आवाज़ भी अलग अलग माध्यमों से, सर्वे भी पार्टी कराती है, अपनी रायशुमारी भी करती है, कई सारे एंगल से पार्टी विचार भी करती है, उसके माध्यम से भी हम पुरजोर तरीके से पहुंचाएंगे, और लोगों से संपर्क करके भी बात पहुँचाएँगे। पार्टी को उसके बाद क्या निर्णय लेना है, ये मेरे शीर्ष नेतृत्व पे मैं छोड़ता हूँ, मैं उनको भगवान मानता हूँ, मेरे शीर्ष नेतृत्व को, वो जो निर्णय करेंगे उस पर मैं हमेशा अमल करता हूँ और आगे भी करूँगा। हमसे बात कर रहे थे गोविंद मालू जी, जो दावेदारी करें विधानसभा 3 से, लेकिन उनका कहना है कि जो शीर्ष नेतृत्व है, जो वो जो निर्णय लेगा वो उसे मान्य करेंगे, लेकिन उनकी दावेदारी मजबूत है स्थानीय होने के नाते। कैमरा पर्सन प्रदीप मसीह के साथ अरशद खान, डिजियाना न्यूज़, इंदौर। तो अर्शद जी, ये है गोविंद मालू, मेरी स्कूलिंग 3 से हुई है, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 से हुई है, मेरा कॉलेज 3 से हुआ है, मेरा व्यवसाय 3 से हुआ है, सारी चीज़ें, मतलब ये मानते हैं दावेदारी को लेकर के कि स्थानीय मैं हूँ और यहाँ की जनता को, यहाँ के कार्यकर्ताओं को अच्छे से जानता हूँ। क्या लगता है कितनी दावेदारी लगती है आपको गोविंद मालू की भाजपा की तरफ से? देखिए अभिषेक, वो लगातार प्रवक्ता रहे हैं गोविंद मालू जी, पहले शहर में रहे, फिर प्रदेश में रहे, और अभी लगातार वो बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ सक्रिय रहते हैं जी। और वो पिछली बार भी उन्होंने टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन उषा ठाकुर को टिकट दिया गया, उन पर भरोसा नहीं था पार्टी का, शायद इस बार भरोसा कर ले पार्टी उन पर। स्थानीय का मुद्दा विधानसभा 3 में गरमाया हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी दावेदारी तो है, और जिस तरह से उन्होंने मुझे बताया है, जिस तरह से मेरी चर्चा में उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, डोर टू डोर कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, डोर टू डोर वहाँ के मतदाताओं से मिलते हैं जाकर, और उन्हें अपनी बात बताते हैं, उनसे उनका कोई काम होता है तो उसको तत्काल प्रभाव से करने की कोशिश करते हैं।
एक बड़ी बात उन्होंने यही कही कि स्थानीय को लेकर विधानसभा तीन में चर्चा है कि कौन होगा यहाँ से प्रत्याशी और कौन होगा पार्टी किसको बनाएगी यहाँ से उम्मीदवार। कार्यकर्ताओं के आक्रोश की भी बात कही है कि कार्यकर्ता संतुष्ट कहीं नहीं है और ये बात तीन में आप खुद अगर रहते हैं वहां पे तो ये दिखाई देती है बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल नजर आती है, फर्क ये पड़ जाता है अभिषेक, जहाँ जिस विधानसभा में आप रहते हैं जी, एक तो आपकी वहाँ पर कनेक्टिविटी होती है, आपको लोग वहाँ पहले से ही जानते होते हैं जी, और यदि आप उस विधानसभा में नहीं रहते हैं किसी अन्य विधानसभा में रहते हैं तो या तो फिर आपको उस विधानसभा में जाकर अपना एक दफ्तर खोलना पड़ेगा, वहाँ पर आपको अपनी कनेक्टिविटी बनाना पड़ेगी और लोगों से इंटरेक्ट होना पड़ेगा, तो बाहरी लोग ये नहीं कर पाते हैं और इसी से नाराज है वहाँ के कार्यकर्ता। वर्तमान विधायक उषा ठाकुर के साथ सबसे माइनस पॉइंट यही आ रहा है, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही बनकर आ रहा है कि वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं कर पाती विधानसभा तीन के। यदि किसी भी कार्यकर्ता को उनसे मिलना होता है, काम होता है, तो उन्हें जाना पड़ता है संगम नगर जो विधानसभा एक में आता है। तो कार्यकर्ताओं की ऐसी मांग है, जहां तक मेरी कार्यकर्ताओं से भी चर्चा हुई है, आप कहते हैं ग्राउंड रिपोर्ट, तो मैं कार्यकर्ताओं से मिलता रहा हूं, कांग्रेस के और बीजेपी के दोनों के कार्यकर्ताओं से मिलता रहा हूं, तो उनका ये कहना है कि हमें स्थानीय प्रत्याशी चाहिए। अब स्थानीय प्रत्याशी के रूप में गोविंद मालू की दावेदारी मजबूत नजर आती है, संगठन यदि उन्हें टिकट देता है तो कार्यकर्ता उन्हें जिता सकते हैं, ये स्थिति निर्मित और उनका मैनेजमेंट भी रहा। अच्छा जी, एक और बड़ा नाम है ललित पोरवाल, हालांकि बहुत ज्यादा लंबा अनुभव इनका रहा है और लंबे समय से ये चुनाव में रहे हैं कार्यकर्ता के तौर पर। ललित पोरवाल क्या कह रहे हैं और खुद भी एक अच्छे नेता रहे हैं, तो ललित पोरवाल क्या कह रहे हैं अपनी दावेदारी को लेकर, पहले वो सुन लेते हैं। हमारा खास कार्यक्रम प्रत्याशी कौन में हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं ललित पोरवाल, जो चार बार से पार्षद रहे हैं, आईडी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, संगठन में विभिन्न पदों पर उन्होंने काम किया है। अब वे दावेदारी कर रहे हैं विधानसभा तीन से कि बीजेपी उन्हें वहां से अपना उम्मीदवार बनाए। क्यों बनाया बीजेपी उनसे उन्हें वहां से अपना उम्मीदवार, यही जानेंगे उनसे। ऐसा क्या किया है ललित जी आपने, आप चार मरतबा पार्षद रह चुके हैं, आईडी के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, संगठन में विभिन्न पदों से पार्टी आपको नवाज चुकी है, लेकिन आप विधानसभा तीन से दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या पार्टी आपको टिकट क्यों दे? देखिए अक्षर जी, मैं कॉरपोरेशन में चार मरतबा पार्षद रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी पार्षद का टिकट नहीं मांगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग मेरिट्स के आधार पर निर्णय करते हैं, और मुझे जब जब भी पार्टी ने जो अवसर दिया उस अवसर पर मैं खरा उतरा, और जो पार्टी की नीति है, पार्टी चाहती है कि अपनी नीति के अनुसार शहर के विकास में प्रत्येक जनप्रतिनिधि का रोल रहे, वो रोल मैंने बहुत बेखूबी निभाया है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी यदि मुझे टिकट देगी तो निश्चित रूप से मैं, चुनाव की मेरी तैयारी है और इंदौर की जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। मैं लगातार चार चुनाव मैंने लड़े हैं और चारों चुनाव में इंदौर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। विधानसभा तीन के साथ एक विडंबना ही रही है, खासतौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ, यहाँ पर कभी उषा ठाकुर को दिया गया टिकट है, कभी गोपी नेमा को दिया है, कभी राजेंद्र शुक्ला को दिया है, स्थानीय किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया, और कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर ये मांग उठ रही लगातार। मैं देख रहा हूं, जब कार्यकर्ताओं से चर्चा करता हूं, तो उनका कहना होता है कि स्थानीय, तो क्या आप स्थानीय होने के नाते दावेदारी कर रहे हैं या अपनी काबिलियत के आधार पर? देखिए अक्षर जी, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैंने जो काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जानते हैं, इंदौर की जनता जानती है, और इसलिए जो भी मैंने काम का आधार रहा है और कार्यकर्ताओं से मेरा जो जीवित संपर्क रहा है, उनके दुख दर्द में सहभागी रहा हूँ, और इसलिए कार्यकर्ताओं की तरफ से कोई मांग उठ रही है तो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के साथ इस विधानसभा में लगातार चुनाव लड़ता रहा हूं, इस विधानसभा के विकास के सारे निर्माण कार्यों में मेरी एक विशेष भूमिका रही है, और इसलिए निश्चित रूप से लोगों की ये मांग है कि भाई स्थानीय आदमी को देना चाहिए ताकि उनके दुख दर्द में हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें और काम कर सकें। गोपी नेमा भी यहाँ से वापस से प्रयासरत हैं, उषा ठाकुर वापस दावेदारी कर रही हैं, और गोविंद मालू भी चाहते हैं कि विधानसभा तीन से उन्हें टिकट दिया जाए, क्योंकि गोविंद मालू भी इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर आना चाहते हैं कि वो भी स्थानीय छावनी में रहते हैं, विधानसभा तीन में आता है छावनी क्षेत्र, वो भी इसकी मांग कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, यदि पार्टी ने आपको टिकट ना दिया, किसी अन्य प्रत्याशी को से टिकट दिया, तो क्या आप उसका, जिसे पिछले प्रत्याशियों की मदद करते आए वैसी मदद करेंगे?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी विशाल पार्टी हो गई है और बहुत सारे कार्यकर्ता टिकट मांग सकते हैं, ऐसे कोई बुरी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी टिकट उसी को देगी जो मेरिट्स के आधार पर काम करने वाला है, संगठन की नीति रीति को समझता है और लोगों के दुख दर्द में, कार्यकर्ताओं के दुख दर्द में और विकास के कामों को गति देता है। ऐसे पार्टी व्यक्ति को ही पार्टी टिकट देगी। और जहाँ तक आपने कहा कि पार्टी किसी को भी टिकट देगी, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, पहले भी मैं लगातार पार्षद रहा हूँ, उम्मीदवार रहा हूँ, लेकिन पार्टी ने मुझे, मेरी ये था कि भाई आप नगर निगम में आपकी उपयोगिता ज़्यादा है तो मुझे नगर निगम भेजते रही, विधानसभा में दूसरे को बोला, तो मैंने उसके लिए भी जी जान से मेहनत की है, उसका काम संभाला है और उसे चुनाव जिताए हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी की पार्टी जो भी निर्णय लेगी उसको सबके लिए मान्य है और सब मिलकर काम करेंगे। हमसे बात कर रहे थे ललित पुरवाल, जो विधानसभा 3 से दावेदारी कर रहे हैं बीजेपी की टिकट पर। उनका कहना है कि पार्टी किसी को भी टिकट दे, वो जिसे पहले मदद करते आए अभी भी करेंगे, लेकिन उनकी दावेदारी मजबूत है क्योंकि वो स्थानीय हैं, अनुभवी हैं और संगठन के मुताबिक काम करते आए हैं। ये अलग बात होगी और ये निर्णय पार्टी को लेना होगा कि वहाँ से प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन फिलहाल दावेदार अपनी दावेदारी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप मसीह के साथ अरशद खान, डीजीएनआ न्यूज़, इंदौर। अर्शद जी, ये है ललित पोरवाल, 1977 से लेकर के आज तक सक्रिय राजनीति का हिस्सा बताते हैं अपने आप को, इनकी दावेदारी को लेकर के क्या लगता है, क्या कहेंगे, आपका क्या राजनीतिक विश्लेषण कहता है? अभिषेक, देखिए, ललित पोरवाल भी स्थानीय के मुद्दे को लेकर टिकट मांग रहे हैं। उन्होंने भी पिछली मरतबा टिकट मांगा था लेकिन उषा ठाकुर को टिकट दिया गया। बार बार रिपीट हो रही वाली बात के उन्होंने भी टिकट मांगा था और उन्हें जी बिल्कुल, ये तो फहरिस्त है, तो जिन्होंने मांगा था नहीं मिला तो ये बार बार बोलना ही पड़ेगा, बोलने में आ रही है ये बात। तो ललित पोरवाल की अपनी दावेदारी है, पार्षद रहे हैं नगर निगम में, MIC सदस्य के रूप में उन्होंने काम किया है, जानकार समिति के प्रभारी भी रह चुके हैं, राजस्व समिति के प्रभारी रह चुके हैं नगर निगम में। उसके चलते उन्होंने एक अपना बड़ा नेटवर्क तैयार किया है, विधानसभा 3 में ही रहते हैं और 3 के कार्यकर्ताओं से वो लगातार संपर्क में रहते हैं जी। चूंकि कॉलेज छात्र राजनीति से वो सामने आए हैं और उसके बाद कई मरतबा पार्षद भी बने जी। पार्टी ने उन्हें अलग अलग वार्डों से भी चुनाव लड़वाया है और वहां से जीत दर्ज करके आए, तो कहीं ना कहीं उनमें एक राजनीतिक इच्छा शक्ति है जो मैनेज कर लेते हैं उसको, किसी भी वार्ड से जाकर चुनाव जीत कर आ जाते हैं। तो पार्टी उनके उनके नाम पर भी गौर कर रही है जी। मुझे अब ऐसा लगता है अभिषेक, यहाँ पर ये सारे नाम तो आ रहे हैं जी, लेकिन संगठन कोई नया नाम नहीं लाके यहाँ पर खड़ा कर, चौंकाने वाला नाम आकर जो अभी पर्दे के पीछे, उसका खुलासा हम भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब वक्त परिस्थिति आएंगी तो निश्चित रूप से आपके पर संभावित जो है जी मैं फिर आपके शो पर उसका खुलासा करूंगा कि अब ये नाम है। इतने सारे को तो हमने इंटरव्यूज किए थे, इतने सालों पर चर्चा की थी कि ये हो सकते हैं, ये दावेदारी कर रहे हैं, डिफरेंस वाला मामला आ गया तो बीजेपी कोई नया नाम ला सकती है। ललित पोरवाल की अपनी दावेदारी है, ललित पोरवाल IDA के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, नेटवर्क पूरा उनका नेटवर्क उनका बड़ा है, मजबूत नेटवर्क है और खास बात यह है कि कार्यकर्ता बहुत उनसे संतुष्ट हैं जी। खासतौर पर विधानसभा 3 के जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि जब वो नगर निगम में रहे, जानकार समिति के प्रभारी रहे, तो राजस्व समिति के प्रभारी रहे, तो उन्होंने कई सारे लोगों को वहां पर नौकरी से भी लगाया है, नगर निगम में कई सारे लोगों को अपने विधानसभा 3 के कई कार्यकर्ताओं को नौकरी पर भी लगाया है, भले ही मस्टर पर लगाया है, लेकिन किसी न किसी रूप में उन्होंने लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराया है, खासतौर पर विधानसभा 3 के कार्यकर्ताओं या लोगों की मदद की बात की जाए तो वो उन्होंने की है। और एक चीज उनकी ये मैंने देखी है, नगर निगम में जब वो जानकार समिति प्रभारी थे तो कहीं का भी कोई भी व्यक्ति आता था, यदि कोई समस्या होती थी उसका तुरंत निराकरण वो करवाते थे और आज भी वो एक्टिव रहते हैं, तो उनकी दावेदारी मजबूत है भी। जी अर्शद जी, एक नाम जो निर्दलीय है, पार्षद भी रह चुके हैं और हालांकि बीजेपी में पहले थे पर अब बीजेपी में नहीं है, बीजेपी उन्हें सदस्यता कब देती है ये बात जो रहे हैं वो अभी भी, आपने उनसे भी बात की, जगदीश धनेरिया, वो क्या कह रहे हैं विधानसभा के टिकट की अपनी दावेदारी को लेकर के, वो सुन लेते हैं। डीजीएनए न्यूज़ कोशिश कर रहा है कि विधानसभा में किस तरह के प्रत्याशी आए और कौन कौन दावेदारी कर रहा है। हम फिलहाल विधानसभा 3 की बात कर रहे हैं, यहाँ से बीजेपी के कार्यकर्ता रहे लेकिन वर्तमान में वार्ड क्रमांक 62 से निर्दलीय पार्षद जगदीश धनेरिया, वो भी दावेदारी करते हैं विधानसभा 3 से चुनाव लड़ने की।
हालांकि बीजेपी के नेता उन्हें कहते हैं कि अभी उन्हें सदस्यता नहीं दी गई है, दोबारा बीजेपी में शामिल नहीं किया गया है। हम उनसे जानते हैं कि उनकी दावेदारी कैसे रहेगी और उन्हें टिकट यदि बीजेपी देती है तो किस आधार पर दें, क्योंकि यहाँ पर पहले से भी कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। जगदीश जी, हमारा कार्यक्रम यह है कि आपको टिकट क्यों दिया जाए? जैसे आपकी इच्छा है कि आप विधानसभा लड़ें, आप पार्षद का चुनाव लड़ें और निर्दलीय लड़ें, आपकी पार्टी बीजेपी ने जब आपको टिकट नहीं दिया तो आपने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए वार्ड में जीत भी हासिल की। अब विधानसभा की ओर आप देख रहे हैं, क्या लगता है आपको विधानसभा उससे पहले आपको पार्टी शामिल कर लेगी और फिर टिकट भी देगी? अरशद भाई, ये जो समय है, वर्तमान समय है, ये वर्तमान समय किसी के टिकट देने से और नहीं देने से काम नहीं चलेगा। ये तो जनता तय करेगी कि कौन चुनाव लड़ेगा और कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। और जिन लोगों ने, कोई भी पार्टी हो, जिन्होंने जनता की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया, वो निश्चित रूप से पराजित भी होंगे और उनको शिकस्त भी खाना पड़ेगी। अभी का जो समय चल रहा है उसमें जनता के माहौल के हिसाब से आपको अपना प्रत्याशी तय करना पड़ेगा। आपने अभी एक बात बोली कि मैंने अपना दमखम दिखाया या पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया या पार्टी ने मुझे बाहर कर दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने न तो टिकट मांगा था और न ही मैंने कभी मन में सोचा कि मैं कभी पार्टी से खिलाफ जाके चुनाव लड़ूं। अरशद भाई, बात सिर्फ इतनी है कि आखिरकार उस क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता जिनके बल पे ये पार्टियां जीतती है, उन कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान की बात थी, उनके सम्मान की बात थी। हमारा सिर्फ इतना सा उस समय कहना था कि किसी स्थानीय कार्यकर्ताओं को टिकट मिलना चाहिए। हमने कभी भी नहीं सोचा कि हम पार्टी के खिलाफ जाके चुनाव लड़ें, लेकिन चूँकि बात को नहीं सुनी गई तो सब लोगों ने मिल के ये तय किया था कि नहीं, इसके लिए चुनाव लड़ना चाहिए। और जनता जब साथ में थी तो उसके परिणाम भी ठीक आए। तो वर्तमान समय में भी बाहर के लोग नहीं चलेंगे, ये तो हमने दोनों पार्टियों के लिए बोल रखा है। और अगर इसके खिलाफ जाके अगर कोई भी पार्टी काम करेगी तो उसके लिए जो होगा वो करेंगे। और ये बन रहा है विधानसभा तीन में, खासतौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं, जब हम बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करते हैं तो उनका ये कहना होता है जो बात आपने कह दी पहले ही, कि स्थानीय व्यक्ति हो। यहाँ से गोपी नमा भी प्रयासरत हैं, ललित पोरवाल भी प्रयासरत हैं और अन्य नेता भी यहाँ पर प्रयासरत हैं। पिछली बार उषा ठाकुर को यहाँ से लड़ाया गया, शायद उसी का ये विरोध है कि अब बाहरी व्यक्ति नहीं चलेगा। इसके पहले भी गोपी नेमा को यहाँ से मौका दिया गया था, वो भी चुनाव जीते थे यहाँ से। उषा ठाकुर भी यहाँ से चुनाव जीती हैं। गोविंद मालू भी इस कतार में आ गए हैं, हालांकि वो रहते विधानसभा तीन में ही, हाल ही में उन्होंने अपना घर बदला है। तो ये कार्यकर्ताओं में क्या है ऐसा कि विधानसभा तीन से ही कोई नेता आए? फिलहाल तो मैं आपसे बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी नेता के नज़रिए से ही बात कर रहा हूँ। अरशद भाई, मेरे रग रग में, मैं चूँकि संघ का स्वयंसेवक हूँ तो मैं जिस परिवेश में आया हूँ तो वो तो ताउम्र रहने वाला है। रहा सवाल पार्टी के कार्यकर्ताओं को, बाहर का उम्मीदवार नहीं चलेगा अगर इस प्रकार की उनकी मंशा है, तो उसके पीछे का कारण ये है कि जो पिछले चार वर्षों में उन कार्यकर्ताओं ने भुगता है, जब स्थानीय उम्मीदवार नहीं होता है तो वो यहाँ के लोगों को नहीं पहचानता है। वो चूँकि इस मिट्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, उसको यहाँ की परेशानियों को वो समझता नहीं है, वो यहाँ पे पैदा नहीं हुआ है, वो यहाँ रहा नहीं है, यहाँ उसकी शिक्षा नहीं हुई है, यहाँ उसकी दीक्षा नहीं हुई है, तो वो जो आपस में जो आस पड़ोस वालों से और जो कार्यकर्ताओं से जो तारतम्य एक दूसरे के बीच में होता है सुख दुख में, वो उसमें हमेशा अभाव रहेगा। वो चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, चुनाव जीत जाना एक अलग बात है, लेकिन चुनाव जीत के लोगों के साथ में समरस होना एक अलग विषय है। और उसका नितांत अभाव अभी वर्तमान में जो विधायक है उनके साथ में ये रहा, और उसका ही परिणाम है कि इन 3.5 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में, इन 4 वर्षों में विकास की अगर बात करेंगे तो हम काफ़ी पीछे रहे।
ये मान भी लिया जाए कि यदि पार्टी आपको आपस शामिल कर लेती है और टिकट भी दे देती, तो ऐसी आप में क्या क्वालिटी है, ऐसा क्या है जिसके चलते आप टिकट की डिमांड करेंगे? यदि पार्टी ने आपको वापस सदस्यता ग्रहण करवा दी और वापस आप बीजेपी के कार्यकर्ता बन गए, तो आप किस आधार पर टिकट मांग सकते हैं? अर्शद भाई, मेरा तो सिर्फ एक ही मुद्दा है, कार्यकर्ता चूंकि पार्टी की जान है, किसी भी संगठन की जान उसका कार्यकर्ता होता है, और उस कार्यकर्ता की बात का सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए अगर वो संगठन को आगे तक जाना है तो। और जहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान खत्म होगा तो धीरे धीरे वो संगठन कमज़ोर होता है। अब मुझे कोई पार्टी में लेता है नहीं लेता है, अभी इस बारे में मैं कभी भी विचार नहीं करता हूँ। मैं अभी अपने काम में लगा हूँ और दृढ़ता के साथ में लगूंगा और पूरी विधानसभा में लगूंगा। कोई उसके लिए मेरा कभी भी ये मेरे दृष्टिकोण नहीं रहता है कि मुझे आगे आगामी चुनाव में 3 नंबर में चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। मेरे मन में ये बात रहती है कि जितनी हम सेवा, जितने आम लोगों के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं उतना करने का प्रयास करते हैं। और मैं तो वही पंडित दीनदयाल जी के सिद्धांत को या उनकी बात को लेके ही मन में धारण करके ही काम करता हूँ कि समाज के उस अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक विकास की धारा जाए जिसके लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। तो उसकी दृष्टि से अगर कोई लोग बोले कि आप 3 नंबर में काम कर रहे हो या बाकी दृष्टि से काम कर रहे हो, तो कुछ लोगों का काम है कहना, कहते रहेंगे, लेकिन हमारा काम है काम करना, हम काम करेंगे। और चाहे वो कन्या पूजन का कार्यक्रम हो या अन्य कार्यक्रम हो, वो विधानसभा स्तर पर आगामी दिनों में और बड़े बड़े कार्यक्रम करने वाले, लेकिन इन सब के पीछे मूल भाव जो है वो सिर्फ इतना है कि क्यों ना पूरे विधानसभा क्षेत्र के जो वंचित लोग हैं उनके पास यह विकास का बातें पहुँचे, हम उसी प्रयास में लगे रहते हैं। बाकी किसी को टिकट देना नहीं देना, क्या करना क्या नहीं करना, वो हमको अपनी तरफ से नहीं तय करना। लेकिन एक बात अर्शद भाई ज़रूर बताऊंगा, और ये बात आप नोट करके रखना, आपके चैनल के माध्यम से इस बार चुनाव तो जनता ही लड़ेगी, जनता तय करेगी कि कौन चुनाव लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा। ये थोपे हुए लोग जो है ना, ये बहुत दिन तक चलेंगे नहीं, अब उनका युग समाप्त हो रहा है। आपने वार्ड 62 जीत कर ये तो साबित कर दिया कि आप 3 विधानसभा 3 में काफ़ी अमल दखल रखते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि आने वाले वक्त में पार्टी डर कर या समझ कर या पार्टी संगठन के जो लोग हैं वो इस चीज़ को माने के जगदीश धनीरा एक अपने आप में एक ताकत है विधानसभा 3 में, तो वो आपको पार्टी में शामिल कर लें और कोई ऐसा पद दे दें जिसके चलते आप टिकट की मांग ना करें और कोई दूसरा उम्मीदवार को यहाँ पर मैदान में उतार दें? अर्शद भाई, किसी के कोई पद देने से या शामिल होने से या नहीं होने से कोई विषय, वो जो मूल विषय है वो कभी भी नहीं छूटेगा। हमने हमेशा अपनी बात को रखी है और आगे भी रखेंगे। स्थानीय कार्यकर्ताओं का सम्मान बना रहना चाहिए और उसके लिए जो संघर्ष करना पड़ेगा वो पूरा पूरा संघर्ष करेंगे। आने वाले दिनों में मैं बताऊंगा आपको, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, जो दुखी कार्यकर्ता है जिनके मन में ये भाव है कि नहीं, स्थानीय कार्यकर्ताओं का अपना महत्व होना चाहिए, ऐसे लंबे कार्यकर्ताओं की फौज लगातार संपर्क में है। चूँकि उनमें से कई लोगों ने हमारे साथ में वर्षों तक कम भारतीय जनता पार्टी में काम किया है, कई लोग संपर्क में हैं। एक बड़ा कार्यक्रम शीघ्र ही हम करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि उस कार्यक्रम के बाद में इस विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 की दिशा और दशा दोनों बदलेगी। जी, हमसे बात कर रहे थे जगदीश धनीरा, जो वार्ड क्रमांक 62 के पार्षद भी हैं, बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, संघ से जुड़े हुए हैं। उनकी भी एक ही पीड़ा है कि विधानसभा 3 से यदि किसी को प्रत्याशी बनाया जाता है तो वो स्थानीय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाले वक्त में जनता चुनेगी कि उनका प्रत्याशी कौन हो। ये वक्त बताएगा कि बीजेपी जगदीश धनेर को वापस शामिल करती है या नहीं, या उन्हें टिकट देती है या नहीं। लेकिन विधानसभा 3 में कई सारे नाम हैं जो दौड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप मसीह के साथ अर्शद खान, डीजीएनआ न्यूज़, इंदौर। अर्शद जी, ये थे जगदीश धनेरिया। मैं संघ का स्वयं सेवक हूं और पंडित दीनदयाल के सिद्धांतों पर काम करता हूं, फिर भी अभी बीजेपी में नहीं हूं, क्या कहेंगे अर्शद जी? अभिषेक, बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी मैं बीजेपी में नहीं हूं।
तो देखिए बीजेपी से उन्होंने पार्षद का टिकट मांगा था लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और पार्टी संगठन नाराज इसलिए है कि उन्होंने पार्टी के कैंडिडेट की मदद नहीं की, खुद निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत भी गए। बिल्कुल, उन्होंने कहीं ना कहीं संगठन को बताया है कि मैं बागी तेवर रहे हैं, मेरे क्षेत्र में मैं सक्रिय भी हूं और लोगों का चाहता भी हूं, जब भी जनता ने मुझे पार्षद बनवाया है। कांग्रेस को भी हराया उन्होंने, बीजेपी के कैंडिडेट को भी हराया, तो अपनी दावेदारी इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें ऐसा एहसास होता है कि पार्टी उन्हें लेगी वापस, कवायदें भी की जा रही हैं कहीं ना कहीं। देखिए उनके बोल नहीं बदले अभी भी, अभी भी उनकी मानसिकता वही है जो बीजेपी के कार्यकर्ता की होती है, जो एक कट्टर कार्यकर्ता की होती है, वही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की वो बात करते हैं और आरएसएस की वो बात करते हैं, तो उसमें ये बात झलक कर सामने आती है कि अभी भी उनकी मानसिकता बीजेपी वाली है। अगर पार्टी उन्हें लेगी और टिकट भी मांग रहे हैं साथ में विधानसभा 3 से, दावेदारी तो है, दावेदारी है पर एक वार्ड को जीतना और एक विधानसभा को जीतना, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा जी, बहुत बड़ा अंतर होता है उसमें। मैं समझता हूँ विधानसभा 3 में 12 वार्ड हैं और 12 वार्डों में आपको जीतना और 12 वार्डों की जनता से के संपर्क में रहना और उन्हें इसके लिए प्रेरित करना कि वो वोट आपको दें निर्दलीय के रूप में, बड़ा टास्क होता है। बिल्कुल, कोशिश जरूर कर रहे हैं। असल में इसके पीछे कारण ये है दावेदारी करने के, कि यदि मैं दावेदारी करूंगा तो निश्चित रूप से नुकसान बीजेपी के कैंडिडेट को होना है, यदि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ता हूं तो निश्चित रूप से नुकसान कैंडिडेट बीजेपी को होना है, तो वो बीजेपी में जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस माध्यम से जब वो दावेदारी करेंगे, निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने की बात करेंगे, तो बीजेपी संगठन कहीं ना कहीं उनके नाम पर विचार करेगा, उन्हें जल्द से जल्द संगठन बीजेपी में शामिल कर लेगा। आपने देखा कांग्रेस ने इसकी शुरुआत कर दी है, विधानसभा 1 की हमने बात करी थी, कमलेश खंडेलवाल को ले लिया है, ऐसे और कई सारे बागी नेता रहे हैं जो कांग्रेस के, उन्होंने वापस ले लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी में वापस आने के लिए जगदीश धनेरिया दावेदारी कर रहे हैं और मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि उन्हें पार्टी ले भी लेगी तो भी टिकट उन्हें देगी। जी बिल्कुल, मतलब उम्मीद कम है जगदीश धनेरिया को लेकर। अर्षद जी अब बात करते हैं एक जिन्होंने मतलब बीजेपी के कांग्रेस की सीट को छीना और बीजेपी की झोली में डाला, वर्तमान विधायक उषा ठाकुर। वो क्या कहती हैं, वो क्या मानती हैं कि क्यों उन्हें टिकट दिया जाए और उनके 3-4 साल का जो भी कार्यकाल रहा है उसकी उपलब्धि उन्होंने क्या गिनाई, पहले वो सुन लेते हैं। हमारे खास कार्यक्रम प्रत्याशी कौन में हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है वर्तमान विधायक विधानसभा 3 की उषा ठाकुर। हम उनसे जानेंगे कि पार्टी उन्हें एक बार फिर से क्यों मौका दे और खासतौर पर विधानसभा 3 से ही क्यों दे। हालांकि वे पूर्व में विधायक रह चुके हैं, विधानसभा 1 से पार्टी ने उन्हें अवसर दिया था 3 नंबर से, तो उन्होंने वहाँ से भी जीत दर्ज की। उषा जी, कवायदें शुरू हो गई हैं चुनाव को लेकर, दोनों ही संगठन बीजेपी हो कांग्रेस हो अपने अपने प्रत्याशियों की तलाश की जा रही है, आप तो विधानसभा 3 की वर्तमान विधायक हैं ही, पार्टी क्यों एक बार और आपको मौका दे विधानसभा 3 से चुनाव लड़ने का? अर्षद जी, हमारे यहाँ कौन कहाँ से प्रत्याशी हो ये व्यक्ति तय नहीं करता, संगठन तय करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है जिसमें अनुशासन है, व्यवस्था है और हर कार्यकर्ता को उसी के अंतर्गत चलना होता है, तो ये तो संगठन तय करेगा। पर चूँकि आपने पूछा, तो विगत 3 बार से जो विधानसभा हमारे पास नहीं थी, अपने देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और प्रयास से हमने उसको जीता और भारतीय जनता पार्टी का परचम वहाँ पर फहराया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 262 बूथों पर कोई बूथ आप ऐसा नहीं पाएंगे जहाँ बहुत आवश्यक जो बड़े बड़े काम थे उन सबको हमने किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने हमको जो 25 बिंदु दिए थे बंधु, उनकी भी हमने सारी तैयारी 262 बूथों पर कराई है और संगठनात्मक जितने आदेश शुरू दिन से आए उसको हमने बूथशाही करने की कोशिश की, चाहे नर्मदा यात्रा हो, चाहे आज़ादी 70 की जरा याद करो कुर्बानी हो, या कि हमने आप जानते हैं सामाजिक समरसता के लिए 262 बूथों पर प्रत्येक घर में बाबा साहब अंबेडकर जी का जन्मदिन मनवाया था। जितने कार्यक्रम हमको पार्टी की ओर से आए हमने उनको बूथ पर ही किया, तो हमने विचार को, पार्टी संगठन की नींव को इस क्षेत्र में मजबूत किया है, तो निसंदेह संगठन ऐसे कार्यकर्ताओं पर भरोसा करता ही है।
एक बात यहाँ पर विधानसभा तीन के जब हम कार्यकर्ताओं से बात करते हैं तो हालांकि आपको अच्छा नेता मानते हैं, पार्टी की एक अच्छी सक्रिय कार्यकर्ता मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विधानसभा तीन के लोग ऐसा कहते हैं कि हमें अब स्थायी उम्मीदवार चाहिए, स्थायी उम्मीदवार। आप विधानसभा एक में रहते हैं और चुनाव आपने विधानसभा तीन से लड़कर पार्टी की झोली में ये सीट डाली थी, तो कार्यकर्ताओं का जो ये मान है, ये सम्मान है, उनका ये कह रहे हैं वो कि हमें तीन नंबर में स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो फिर इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? अर्शद जी, विधानसभा और लोकसभा में तो ऐसा होता ही आता है, जिला एक स्थानीय इकाई है, उसी को स्थानीय इकाई माना जाता है, संगठन जहाँ जिसको उचित समझता है वहाँ से लड़ने का मौका देता है। और मैं सोचती हूँ कि जिस समर्पण और मेहनत और लगन से मैंने वहाँ सेवा दी है, नागरिकों का भरपूर आशीर्वाद मेरे साथ है। हमसे बात कर रही थी उषा ठाकुर जो वर्तमान में विधायक है विधानसभा तीन की, उनका कहना है कि पार्टी ने जो गाइडलाइन दी थी उसके आधार पर उन्होंने अब तक के काम किया है, पार्टी को विधानसभा तीन में मजबूत किया है, तो इसके चलते संगठन उनके नाम पर ज़रूर विचार करेगा और एक बार फिर से वही विधानसभा तीन से ही उन्हें मौका देगा। कैमरा पर्सन प्रदीप मसीह के साथ अर्शद खान, डीजीएनए न्यूज़, इंदौर। अर्शद जी, ये हैं उषा ठाकुर, उनका तो कहना है कि कार्यकर्ता जो है ज़िले में कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, कहीं से भी चुनाव दिया मतलब अगर उम्मीदवारी दी जाती है या काम कार्यभार संभाल दिया जाता है तो वहाँ से भी चुनाव लड़ा जाता है। उपलब्धियों के नाम पर अगर देखा जाए, अर्शद जी आपने भी इस क्षेत्र में दौरा किया और पता करा, तो इतनी ज़्यादा खुश वहाँ से जनता दिखती नहीं है उषा ठाकुर वर्तमान विधायक से। आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है अर्शद जी, आपने खुद ने देखिए विधानसभा तीन, मैंने आपसे कहा ना कि बिल्कुल शहर पुराना शहर है वो जी, बिल्कुल वहाँ पर बहुत विकास की ज़रूरत थी, कुछ काम ज़रूर किए गए, गाड़ी अड्डे के पुल का निर्माण किया जा रहा है अभी जी, इससे पहले एक और जो सरवटे वाला पुल है अब नगर निगम सड़क को बना रहा है तो वहाँ का भी पुल का निर्माण किया जा रहा है और भी कई सारे, मैंने तो उनसे क्रॉस क्वेश्चन भी किया था कि काम तो नगर निगम कर रहा है, आपने क्या काम किया है, विधायक कोटे से आपने क्या क्या काम करवाया, उन्होंने कुछ बोरिंग करवाए हैं। परेशानी उषा ठाकुर के साथ वहाँ पर यह आ रही है कि उन्होंने जितने भी काम कराए हो सकता है वहाँ से जनता खुश हो जी, लेकिन कार्यकर्ता नाराज है। विधानसभा तीन का कार्यकर्ता उषा ठाकुर के साथ खड़ा होता नजर नहीं आ रहा मुझे कहीं पर भी, तो उनकी दावेदारी तो मजबूत है। देखिए उनकी दावेदारी इतनी मजबूत इसलिए हो सकती है क्योंकि पिछली मरतबा जब वो विधानसभा एक से टिकट मांग रही थी तो पार्टी ने उन्हें विधानसभा तीन भेजा, तो यहाँ पर भी उनका कोई जनाधार नहीं था विधानसभा तीन में, उनका इतना मल दखल नहीं था विधानसभा तीन में, लेकिन और स्थानीय भी वो स्थानीय भी नहीं थे, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उषा ठाकुर को वहां से जितवाया जी। तो जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें वहां से जितवाया और अश्विन जोशी के खिलाफ एक लहर थी, एक एंटी कंबेंसी थी विधायक के, क्योंकि तीन मर्तबा के वहां से वो विधायक रह चुके थे, तो कहीं ना कहीं लोगों में नाराज मोदी लहर का फायदा भी मोदी लहर को मिला है अर्शद जी, ये माना जा सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें एक साथ जुड़ती चली गई जिसके चलते उषा ठाकुर जीत गई। 4.5 साल के अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई, हालांकि वो कहती जरूर है कि मैंने 262 बूथों पर जाकर के उन्होंने जो कार्यक्रम किए, अमित शाह जो हमारे अध्यक्ष हैं उन्होंने जो काम दिए, तो अर्शद जी ये तो पार्टी की जो संगठन का काम, संगठन का काम है, संगठन का काम है, संगठन ये विधायक एक राजनीतिक तौर पर अगर आप जनप्रतिनिधि हैं तो लोकल लेवल के जो वर्क होते हैं या काम होते हैं वो शायद विधानसभा तीन में दिखाई नहीं देते। बिल्कुल सही कहा अभिषेक, हम अगर विधानसभा चार की बात करें, दो की बात करें या पांच की बात करें तो वहां पर जो विधायक कोटे से विधायकों ने जो काम करवाए हैं वहां पर वो नजर आते हैं, वो जनता इसलिए कहीं कहीं प्रभावित होती है वहां के विधायकों से। हम विधानसभा पांच के विधायक महेंद्राडिया की बात करें, दो नंबर के रमेश मिंदोला की बात करें, तो वहां पर जनता कहीं ना कहीं से प्रभावित होती है और उनको ऐसा लगता है कि हमारे विधायक ने कुछ किया है, उनकी आवाज उठाई है। मुझे नहीं लगता कभी भी कि उषा ठाकुर ने कोई ऐसा आंदोलन किया हो जिसके चलते वहां की जनता उनके साथ खड़ी हो। नगर निगम द्वारा गंगवाल बस स्टैंड से लेकर सरवटे बस स्टैंड तक की सड़क का निर्माण किया जा रहा है, एक हिस्सा जो महापौर मालिनी गोड़ के विधानसभा में आता है 4 नंबर में, वहां तक के तोड़फोड़ की जा चुकी है, विधानसभा तीन में भी तोड़फोड़ की जाना है। उषा ठाकुर ने अब तक उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, उन्होंने ना तो मालिनी गौर से कोई चर्चा की है कि मेरी विधानसभा में जब तोड़फोड़ की जाएगी तो आप मेरे यहाँ के मतदाताओं को या यहाँ के रहवासियों को क्या देने वाले हो, आपने दूसरी जगह लोगों को आवास उपलब्ध कराए हैं कि यहाँ पर भी यही स्थिति निर्मित होने वाली है अभिषेक कि कई सारे लोगों के मकान ऐसे होंगे जो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, उनके सर से छत छिन जाएगी। तो ऐसे में उषा, ये सब सारी नाराजगी जो मैंने
देखी हैं, समझी हैं, विधानसभा तीन में घूमकर ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उनके लिए खुल मिलाकर के ये कह सकते हैं अर्षद जी कि स्थानीय मुद्दों की बात करें, स्थानीय मुसीबतों की बात करें, या स्थानीय मुसीबतों में जो टीस होनी चाहिए वो जनप्रतिनिधि में कहीं दिखाई नहीं देती। बिल्कुल सही कहा अभिषेक, वो कहीं पर भी नहीं दिखाई देती है। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी दावेदारी मजबूत है, वो इस बिहाफ में मजबूत है कि मैं यहाँ की वर्तमान विधायक हूँ। तो विधायक का टिकट काटना संगठन का काम इतना संगठन के इतना आसान नहीं होता है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिफॉल्ट होगा तब जाके उषा ठाकुर का टिकट कट सकता है। दावेदार उनसे ज़्यादा मजबूत होगा तो पार्टी उनके नाम को हटाने पर विचार कर सकती है, दावेदारी उनकी पुख्ता है। उन्हें कार्यकर्ताओं को अवेयरना होगा जब विधानसभा तीन में वो चुनाव लड़ने जाए दोबारा, यदि पार्टी उन पर भरोसा करती है। लेकिन अल्टीमेटली इसका निर्णय पार्टी संगठन ही करेगी कि उषा ठाकुर को यहाँ से दोबारा चुनाव लड़ाना चाहिए नहीं लड़ाना चाहिए। हमने विधानसभा तीन में कई सारे उम्मीदवारों को जो प्रत्याशी बनना चाहते हैं, ऐसे चुनाव लड़ना चाहते हैं, उस पर बात की है। ललित पोरवाल रहे हैं वो जी, बिल्कुल। जगदीश धनेरिया निर्दलीय रहे हैं, या गोविंद मालू रहे, गोपी नेमा रहे, गोपी नेमा लगातार प्रयास कर रहे हैं जी, ललित पोरवाल भी लगातार प्रयास कर रहे हैं जी। अब लॉटरी किसकी खुलती है, टिकट में नाम किसका आता है, ये वक्त बताएगा। बिल्कुल अर्षद जी, फिर भी आपका राजनीतिक विश्लेषण जो है वो सटीक बैठता है, मैंने देखा। और अमूमन और जिस जगह से आप हैं, गृह क्षेत्र आपका वही विधानसभा तीन। अर्षद जी, आखिरी बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक एक की अगर बात करें तो वहां पर भी कांग्रेसियों के दावेदारों की भरमार है। विधानसभा तीन में बीजेपी के साथ में ऐसा है, एक अनार सौ बीमार वाली स्थिति यहां पर भी खड़ी होती, क्या कहेंगे अभिषेक? देखिए, दोनों ही पार्टी के नेता इस तरह की बात करते हैं कि प्रत्येक कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है जी। तो जिन्हें ऐसा लगता है, होता ही है कि हर व्यक्ति चाहता है कि वो विधायक बने, और जो भी राजनीति में आया तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पद की लालसा के साथ आया, वो जनसेवा करने नहीं आया जी, बिल्कुल। उसे पद चाहिए, विधायक बनना है उसे, हालांकि बोला ऐसा जाता है कि जनसेवा करना है, वो तो सिर्फ बोलने के लिए। देखिए, अगर आप राजनीतिक दल में और आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप किसी ना किसी पद में कोई ना कोई पद लेना चाहेंगे, या फिर संगठन में लेना चाहेंगे, या फिर चुनाव के माध्यम से विधायक पार्षद या सांसद बनना चाहेंगे। तो ये दोनों ही जगह ऐसी स्थिति है। हम और भी विधानसभाओं में देखेंगे कि कहां पर कितने कितने लोग आ रहे हैं। आपने कहा विधानसभा एक में निश्चित रूप से ज्यादा बनने को तैयार है, वहां संजय शुक्ला टिकट मांग रहे हैं, वहां पर कमलेश खंडेलवाल टिकट मांग रहे हैं, वहां पर के यादव मांग रहे हैं, वहां पर गोलू अग्निहोत्री मांग रहे हैं, तो वहां पर भी कांग्रेस आला का मन तय करेंगे। इसी तरह यहां पर विधानसभा तीन में बीजेपी की तरफ से चार चार पांच पांच लोग टिकट मांग रहे हैं, पार्टी को तय करना है। दो तीन चार कैंडिडेट तो उतार नहीं सकते एक विधानसभा, तो एक ही विधानसभा, एक विधानसभा से एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, पार्टी संगठन तो बाकी कौन होगा ये आने वाला वक्त जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यहाँ विधानसभा तीन क्षेत्र क्रमांक इंदौर की बात की हम लोगों ने, अर्षद खान डिजियाना न्यूज के एडिटर इन चीफ, जिन्होंने ग्राउंड लेवल रिपोर्ट तैयार की है, उम्मीदवारों से बात की, अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं, कहीं स्थानीय का मुद्दा है, कहीं बाहर होने का मुद्दा है, कहीं विकास कार्यों का मुद्दा है, तो कहीं अपने अनुभवों का मुद्दा रखा गया। तो ये थे डिजियाना न्यूज के एडिटर चीफ, जिन्होंने अपनी राजनीतिक विश्लेषण जो है वो रखा क्षेत्र क्रमांक तीन इंदौर के लिए। कौन होगा उम्मीदवार में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए। देखते रहिए डिजियाना न्यूज, नमस्कार। किसका होगा नवंबर? कोई भी जीता हुआ विधायक चुनाव लड़ने से मना क्यों करेगा? हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो संगठन में जाए या आगे बड़ा चुनाव लड़े, या जिस तरीके से पिछली बार पार्टी ने मुझे टिकट दिया, टिकट देने के बाद टिकट चेंज किया, मैंने अपनी वफादारी पार्टी के साथ पूरी रखी। जब पूरे शहर में कांग्रेस हारी तब भी मैं जीता। विगत तीन वर्षों से, तीन बार से जो विधानसभा हमारे पास नहीं थी, अपने देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और प्रयास से हमने उसको जीता और भारतीय जनता पार्टी का परचम वहां पर फहराया। और देखिए, बीजेपी भी इस वक्त यही सोचेगी कि जो जीतने वाला कैंडिडेट हो उसको टिकट दिया जाए। कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, कांग्रेस को वोट देने वाले वोटर्स की कमी नहीं है, लेकिन होता यह है कि जब गुटबाजी होती है तो वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी पिछड़ जाता है। कौन होगा उम्मीदवार, डिजियाना न्यूज की खास पेशकश।